अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं आपका होस्ट हम्माद हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गिरवाल सन्स। आज का टॉपिक हमारा एसईओ से रिलेटेड है कि ब्लॉग किस तरह लिखा जाता है और एसईओ कैसे, हमने एक ब्लॉग की एसईओ कैसे अच्छी तरह हमने डिफाइन करनी है। तो उसमें आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने टाइटल कैसे लिखना है, अपना मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है और जो हेडिंग्स हैं, जो हेडिंग की चीज़ें हैं वो कैसे हमने अपने ब्लॉग पोस्ट में या आर्टिकल में किस तरह पुट करनी है, तो क्या क्राइटेरिया होगा। तो ये तीन चीज़ें आज सीखेंगे हम, टाइटल कैसे लिखना है और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है अपनी पोस्ट की, और उसके बाद हमने देखना है कि जो हेडिंग्स हैं उनका किस तरह इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं हम अपने क्रोम के अंदर, और ये हमने अपने वेबसाइट के अंदर हम आ गए हैं। तो ये आपको एक दिखा देते हैं कि किस तरह स्टार्ट कैसे करना है आपने। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने प्लगइन्स के अंदर जाना है। प्लगइन्स के अंदर जाके एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है सबसे पहले, योस्ट एसईओ प्लगइन, ठीक है। तो ये योस्ट एसईओ प्लगइन, ये आप, अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप ऐड न्यू के बटन पे करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये योस्ट लिखा हुआ है, इसको आप सर्च कर लें, और ये जो है, ठीक है, योस्ट एसईओ, ठीक है, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है, इसको एक्टिव कर लेना है। हमारे उसमें एक्टिव है तो हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे अभी, ठीक है, ये है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो ये यानी कि प्लगइन है जो हमें हमारी एसईओ में मदद करता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपनी पोस्ट में, क्योंकि हमने पोस्ट लगानी है ना, पोस्ट हमने सेलेक्ट करी है, तो ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पोस्ट आ गई है जहाँ पे हमने सारी अपनी टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग्स वगैरह सारी हमने यहाँ पर पुट करनी है। तो देखें, ये जो एड टाइटल है यही आपके पोस्ट का, आपके आर्टिकल का टाइटल होगा, ठीक है। तो ये किस तरह लिखा जाता है और कितने इसमें करेक्टर्स होने चाहिए और किस तरह लिखा जाना है, ये हम देखेंगे। अच्छा, अगर आपने प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा, अगर कर लिया तो ये यहाँ पे चार चीज़ें हमें डिफाइन कर रहा है, एसईओ, रीडेबिलिटी, चीमा और सोशल, ठीक है। आज जो हमने देखना है वो एसईओ इसकी देखनी है कि एसईओ इसकी क्या है। तो अच्छा, जब ये हमें एक बेनिफिट ये देता है कि गूगल हमारी जो पोस्ट है उसको किस तरह व्यू कर रहा है, ठीक है, कि वो मोबाइल पे किस तरह व्यू कर रहा है और डेस्कटॉप पे हमें किस तरह रिजल्ट जो है वो शो कर रहा है। तो ये मोबाइल व्यू है, मोबाइल रिजल्ट है। तो ये नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर एसईओ टाइटल, ठीक है, यहाँ पे एसईओ टाइटल, एसईओ टाइटल का मतलब है जो पोस्ट का टाइटल हमारा वही हमारा एसईओ का टाइटल होगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा जब हम टाइटल ऊपर लिखेंगे। और उसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो अभी टाइटल हमने लिखा नहीं है तो यहाँ पे ये देखिए छोटा सा निशान है, तो ये लाइन जो है ये बढ़ती जाएगी, जब ग्रीन हो जाएगी तो हमारा इसका मतलब है कि हमारा जो टाइटल है वो परफेक्ट हो गया है। तो जब हम मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो फिर भी उसका एनालिसिस हम कर लेंगे कि हमारा यानी कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो, उसके करेक्टर्स कितने होने चाहिए, वो कैसा है, ठीक है। तो ये है, अच्छा ये सिलेक्ट जो है इसको ना बॉदर कीजिएगा, ये सिलेक्ट जो है ये जब आप टाइटल लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट जो है वो उठा लेगा वहाँ से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने टाइटल लिखना है हमारा। अच्छा, टाइटल जो है वो होना चाहिए कि एक अच्छा टाइटल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे, ये मैं डमी आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपका जो भी टॉपिक है, आपका जो भी आर्टिकल है, उसका जो भी टाइटल होगा वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ पुट करते हैं हियर इज द टाइटल, ठीक है। अच्छा, ये हमने कुछ वर्ड लिखे हैं, तो इन ये करेक्टर जब हम नीचे जाते हैं तो अभी आप देखिएगा, तो ये देखिए ये जो लाइन है ये बढ़ के यहाँ तक आ गई है, ठीक है। तो ये अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेपरेटर कर लेंगे, सेपरेटर से थोड़ा सा एक आइडिया जो है वो
एक रीडिंग एबिलिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है, हियर इज द टाइटल, यू कैन राइट द टाइटल हियर। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अब जरा देखिएगा कि किस तरह वो कर रहा है, देखिए देखिए। ठीक है, अब ये ग्रीन हो गया है। ठीक है, अब ये बढ़ता जाएगा। अच्छा अब ये देखिए, ये जो हमारा गूगल का रिव्यू है वो क्या है, हमने ऊपर टाइटल लिखा तो ये टाइटल हमारा ब्लू कलर में शो हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए, ये जब ये लाइन शुरू हो जाएगी तो उसका मतलब है ये आगे बढ़ता जाएगा। हमने ग्रीन लाइन जहाँ तक होती है वहाँ तक हम लिख सकते हैं इसको, टाइटल को हमारे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ और वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, मोमेंट किचन। ठीक है, ये हमने लिखा, सपोज ये हमने लिखा, तो अब देखिएगा अभी भी ये ग्रीन ही है, तो यहाँ तक भी हम, अब ये देखें ये सेपरेटर आ गया और ये उसमें वहाँ पे होम एंड किचन यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा अगर हम मज़ीद इसके बाद जाते हैं, सेपरेटर हमने किया, एक सिर्फ सेपरेटर ही हमने लिखा है तो अभी भी ग्रीन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ और वर्ड लिख लेते हैं इसमें, होम एंड किचन आ गया, उसके बाद हम इसमें गार्डन लिख देते हैं, वर्ड गार्डन। ठीक है, ये हमने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है अभी, तो ये देखिए ये रेड हो गया। ठीक है, तो ये रेड नहीं होनी चाहिए लाइन। ठीक है, ये आपको बताती है कि आपका टाइटल जो है वो अब रेड लाइट में चला गया है या ग्रीन जोन से आगे चला गया है, तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। अब देखते हैं कि हमारे कितने एन, सिर्फ हमने एक किया तो अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, तो लिहाजा हम इसको, इस वर्ड को ही एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये देखें, ये अब परफेक्ट है हमारा टाइटल। ठीक है, अब वहाँ पे नज़र भी आ रहा है, जो एक आपका जो व्यूअर होगा, जो आपका एक विजिटर है, तो उसको वो पूरी टाइटल जो है वो नज़र भी आ रहा है। ठीक है, मोबाइल पे इस तरह रिजल्ट शो कर रहा है और डेस्कटॉप पे इस तरह का रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, हियर इज द टाइटल, हियर इज द टाइटल, सॉरी, ठीक है, हियर इज द टाइटल, यू कैन राइट द टाइटल हियर। ठीक है, तो ये देखें, ये सेलेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली उसने उठा लिया खुद ही, तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, वो सेलेक्ट उसने खुद ही उठा लिया। ठीक है, तो अच्छा अब ये तो हो गया हमारा कि हमने टाइटल किस तरह लिखना है। ठीक है, और टाइटल क्या होना चाहिए हमारा। अच्छा सबसे पहले इसमें जो टाइटल होना चाहिए उसकी, उसमें सबसे पहले हमारा जो कीवर्ड है वो आना चाहिए। ये जो लाइन है, हियर इज द टाइटल, टाइटल में आपके यहाँ पे आपका जो कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड है वो शो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए, वो कुछ भी हो, जो भी हो, वो आपका जिस निच से भी रिलेटेड होगा, आपका जो भी कीवर्ड है वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जो निच है उससे रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, फिर आपकी वेबसाइट भी आ सकती हैं। तो इसमें आपने ये करना है कि आपका जो टाइटल है उसमें आपका जो मेन कीवर्ड है वो लाजमी आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका टाइटल हो गया। अच्छा अब आपने लिखना है मेटा डिस्क्रिप्शन। अच्छा अब ये जो चीज़ शो कर रही है, अप्रैल 17, आज 17 है, 2021 है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड अ मेटा डिस्क्रिप्शन बाय एडिटिंग द स्निपेट बिलो। ठीक है, ये यहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन होगी वो वही डिस्क्रिप्शन होगी जो हमने टाइटल के अंदर बयान की है। मतलब कि आप किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं, आप डॉग के टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो डॉग आपका टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। अब डॉग के मुतल्लिक भी आपने अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में चीज़ें जो है वो लिखनी है यहाँ पे। तो हम चलते हैं, कुछ भी सर्च कर लेते हैं, ये हम डॉग सर्च कर लेते हैं, डॉग के ऊपर हम कुछ डाटा जो है, कुछ टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे उठा लेते हैं यहाँ से। ये डमी मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो टॉपिक होगा आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है।
अच्छा यहाँ से हम इसको सिर्फ कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके सिर्फ आपको दिखाने का मकसद है कि ये किस तरह लग रहा है वहाँ पे, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे होता है। अच्छा अब ये देखिए, ये उसने ऑटोमेटिकली उठाया, तो यहाँ पे अगर हम पेस्ट कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये वाला जो है ये सारा चेंज हो जाएगा। ये कंट्रोल वी हम करेंगे, ये देखिए ठीक है। अच्छा अब ये जो है ये देखिए, ये अभी ठीक है, इसका कलर जो है वो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए वो ऊपर से भी खत्म हो रहा है, ये ग्रीन है ठीक है, जहाँ तक ग्रीन होना चाहिए इसका, तो वो जो चीज़ है वो गूगल को ज़्यादा एक फैसिनेट करती है। ठीक है ये देखिए, ये ग्रीन हो गया, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ तक आपके करेक्टर्स जो हैं वो आने चाहिए। ये करेक्टर्स तकरीबन बनते हैं 150 टू 160 राउंड अबाउट, ठीक है ये वाले करेक्टर्स। लेकिन जो टाइटल के आपके करेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट बनते हैं 50 टू 60 बनते हैं, ठीक है। टाइटल आपका होना चाहिए 50 टू 60 करेक्टर्स, करेक्टर्स ये वाले होते हैं, ये एक वर्ड है, हेयर इज अ वर्ड, ठीक है। लेकिन एच ई आर ई ये चार करेक्टर बन के आपका एक वर्ड बन रहा है, ठीक है। चार ये हैं, फिर आगे इज है, फिर दो करेक्टर ये होंगे, फिर इनके अंदर एक स्पेस भी है, वो भी एक करेक्टर शामिल होता है, ठीक है। ये टोटल जो है वो 50 टू 60 के राउंड अबाउट आपके करेक्टर्स आने चाहिए टाइटल के अंदर, और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर 150 टू 160 राउंड अबाउट इतने आने चाहिए। तो ये एक आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये इस तरह नज़र आएगा, ये देखिए ठीक है, ये इस तरह नज़र आ रहा है आपकी डेस्कटॉप रिजल्ट है, अगर आप मोबाइल रिजल्ट है तो इस तरह शो होगा, ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें हो गई आपकी कि अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपकी जो थर्ड एलिमेंट है इसमें वो है हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो सिंपल जो है वो आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे, वही हम यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं, तो ये देखें तो ये जो है ये हमारा पैराग्राफ के अंदर आ गया। अब इसी पैराग्राफ को हम हेडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम इस तरह लिखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग वन शो कर देगा, ठीक है। अच्छा अब कितनी हेडिंग्स हैं, नॉर्मली 6 हेडिंग्स आती हैं हमारे पास, ठीक है। हेडिंग वन है, हेडिंग टू है, हेडिंग थ्री है, हेडिंग फोर है, हेडिंग फाइव और हेडिंग सिक्स। अच्छा इसमें जो हेडिंग वन है, आपके पूरे आर्टिकल में हेडिंग वन सिर्फ एक दफ़ा आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो टाइटल है आपका वो आपकी हेडिंग भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक ही हेडिंग होनी चाहिए, पूरे आर्टिकल में हेडिंग वन एक दफ़ा आनी चाहिए, दो दफ़ा नहीं आनी चाहिए। अच्छा अब हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर वो मल्टीपल टाइम्स आ सकती हैं, कोशिश करें कि हेडिंग टू जो है वो, अच्छा जैसे अब या हेडिंग वन है वो एक ही दफ़ा आए, और उसकी जो सब हेडिंग होगी, हेडिंग वन की जो सब हेडिंग होगी वो दो हो, तीन हो, चार हो, वो हेडिंग टू के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब हेडिंग थ्री जो है वो सब हेडिंग हो सकती है हेडिंग टू की। अब हेडिंग टू के अंदर आपने प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, सपोज वो आपकी हेडिंग थ्री आ सकती है। अब हेडिंग थ्री के अंदर मजीद उसकी सब हेडिंग जो है वो हेडिंग फोर बन सकती है, हेडिंग फोर की सब हेडिंग हेडिंग फाइव बन सकती है। तो वो हेडिंग टू से हेडिंग सिक्स तक मल्टीपल टाइम्स ही आपके पैराग्राफ में आ सकती है, लेकिन हेडिंग वन जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा आनी चाहिए और एक ही दफ़ा आएगी वो, क्योंकि वो हेडिंग वन, अच्छा हेडिंग आपके माइंड में हेडिंग वन जो है वो मेन हेडिंग जो है वो एक ही दफ़ा की होगी, क्योंकि मेन हेडिंग है वो आपके आर्टिकल की, तो वो एक ही दफ़ा आती है। जैसे हम एक ऐसे लिखते हैं उसमें सब हेडिंग आ जाती हैं, तो उसमें जो है वो हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग वन आपकी एक ही दफ़ा आनी चाहिए टोटल पोस्ट के अंदर। तो ये तो था आज का टॉपिक हमारा कि हमने अपना टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, अच्छा डिस्क्रिप्शन और मेटा डिस्क्रिप्शन एक ही चीज़ है, SEO टाइटल भी एक ही चीज़ है और सिंपल टाइटल भी आपका एक ही चीज़ है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। टाइटल, मेटा टाइटल एक ही चीज़ है, SEO टाइटल भी एक ही चीज़ है, डिस्क्रिप्शन और मेटा डिस्क्रिप्शन ये दोनों इंटरचेंजेबली जो है वो वर्ड जो है वो यूज़ होते हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये दोनों चीज़ें, मेटा डिस्क्रिप्शन और सिंपल डिस्क्रिप्शन एक ही चीज़ है, ठीक है।
तो उसके बाद आपने देखनी है कि हेडिंग, हेडिंग छः तरह की हेडिंग होती है, सिक्स टाइप्स ऑफ हेडिंग है। हेडिंग वन जो है वो एक ही दफ़ा आनी चाहिए, और हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर, हेडिंग फाइव, हेडिंग सिक्स, ये आपकी मल्टीपल टाइम्स आ सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये तो आज का टॉपिक, होपफुली कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाएं। और आपको मज़ीद कुछ जानना हो, आपको जानना चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।